क्या उनका क्या होगा? चार चरणों का क्या नहीं होगा? चार चरण क्या करेंगे? वो जाएंगे अपना खेती करेंगे। चुनाव राजनीति में वो नहीं रहेंगे? राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। चार चरण में आपने देखा, चारों चरण में क्या पोजीशन रहेगी? बहुत अच्छा है, सब जगह से रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे फिर? तो कहते हैं नीतीश कुमार कोमा में चल जाएंगे, मोदी जी कोमा में जाएंगे, चलिए जी कोमा में जाएगा। वादा करके है लोगों को, पाँच साल मरमाने के काम किए, बिहार के जनता है, ठगने वाला जनता नहीं है। तो आपने सुन लिया क्या, काहे भाई दुश्मन का नाम जुबान पर लाते हैं, ये बात राबड़ी के मुंह से निकली है। दर्द छलका राबड़ी देवी का अपने भाई सुभाष यादव को लेकर के। बिहार के चुनावी मौसम में इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सुभाष यादव आरजेडी से दूर जा चुके हैं। हालांकि कांग्रेस में अभी तक सदस्य नहीं बन पाए हैं, मगर कांग्रेस के लिए काम करते बताए जाते हैं। और यहाँ पर जब उनसे पूछा गया बिहटा में कि यहाँ तो भाई ही सामने हैं, और इस पर राबड़ी देवी का साफ जवाब था कि क्यों ले रहे हैं दुश्मन का नाम, ये अपने भाई के लिए राबड़ी के शब्द थे। साफ तौर पे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा कड़वाहट भाई और बहन के रिश्तों में आ चुकी है। और जब से सुभाष यादव ने पार्टी को अंगूठा दिखाया है, यानी आरजेडी को, और ये दर्द अब साफ तौर से राबड़ी देवी की जुबान पर भी छलकता दिखाई पड़ा। तो परिवार का कलह खुलकर जनता के सामने आ गया है। आरजेडी के प्रमुख विरोधियों में कुछ ऐसे भी लोग शामिल हो गए हैं जो कभी पार्टी में यहां आरजेडी के लिए बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन बिहटा के दुल्हनिया बाजार में आरजेडी की चुनावी सभा में आज ऐसा कुछ दिखा कि राबड़ी के निशाने पर नीतीश ही नहीं थे बल्कि सुभाष यादव खासतौर से शामिल थे। चुनावी सभा में रिश्तों का ये दर्द राबड़ी की जुबान से बेतरह छिलका यहाँ पर, और सीधा दुश्मन करार दिया सुभाष यादव को राबड़ी देवी ने। और सुनते हैं कि आखिर राबड़ी देवी से पूछा गया सुभाष यादव के बारे में तो उन्होंने क्या कहा। एक तरफ आप ही के घर में एक विरोधी आपके भाई यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना, दुश्मन का नाम आप ले क्या उनका क्या होगा? चार चरणों का क्या नहीं होगा? चार चरण क्या करेंगे? वो जाएंगे अपना खेती करेंगे। चुनाव राजनीति में वो नहीं रहेंगे? राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। चार चरण में आपने देखा, चारों चरण में क्या पोजीशन रहेगी? बहुत अच्छा है, सब जगह से रिपोर्ट अच्छा आ रहा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे फिर? तो कहते हैं नीतीश कुमार कोमा में चल जाएंगे, मोदी जी कोमा में जाएंगे, चलिए जी कोमा में जाएगा। वादा करके है लोगों को, पाँच साल मरमाने के काम किए, बिहार के जनता है, ठगने वाला जनता नहीं है। जी हाँ, तो क्या दर्द छलक रहा था राबड़ी देवी की जुबान से अपने भाई के लिए दुश्मन शब्द का प्रयोग आपने साफ तौर से देखा। और शेखपुरा के तिरारी चौक के एक होटल में गैस सिलेंडर फट गया।